हमारे साथ है बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। पासवान जी, आज एनडीए के पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो रही है जिसमें सभी एनडीए के सांसद जो हैं वो एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए का नेता चुनेंगे और उसके बाद आप लोग क्लेम करने जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल, मैंने कहा सारा चीज जो है औपचारिकता है। हम तो शुरू से कर रहे हैं, हर पब्लिक मीटिंग में कर रहे हैं, सब जगह हम कर रहे हैं कि भाई 23 तारीख को हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 23 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, प्रधानमंत्री होंगे, ये दीवार पर लिखा हुआ है। और क्या कहते हैं, कब ओथ लेंगे वो प्रधानमंत्री तय करेंगे, और वही हो रहा है। तो उसमें जो है सो कोई जो है कोई हमको जब कोई पूछता है कि क्या कैसे जीत गए, क्या जीत गए, आश्चर्य लगता है। ये सारा का सारा चीज किसी हम लोगों के किसी के मन में, हमारे मन में तो कभी डाउट नहीं था। आज हमारा आज तक हमको 3 साल पहले से क्या कहते हैं कि हमको बतला दीजिए, 3 साल से, पिछले 3 साल से हमेशा हमने कहा कि नरेंद्र मोदी के जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जब क्या कहते हैं हुआ तो हमने कहा 350 वोट से जीतेंगे। जब एग्जिट पोल आया उसमें कुछ लोगों ने कम भी दिखलाया तो भी हमने कहा कि नहीं, जो एग्जिट पोल है मैक्सिमम क्या कहते हैं उसके नज़दीक 350 तक तो हम लोग क्या कहते हैं पहुँचेंगे ही। तो इसलिए जो है हमारे जो वेव था, जो आंधी थी, फिर बाद जो सुनामी हमने नाम दिया, तो हम गांव में जो हम लोग जब कहीं जाते थे, गांव में तो नहीं जाते थे, लेकिन हमारा जो दलित सेना जो है वो तो हर जगह है, वो तो सबसे समाज के कमजोर तबका है, वो रियल रिपोर्ट देता था। तो कहता था सर गांव में जो है ना हम लोग गरीब गुरबा लोग जो है कुछ नहीं सुन रहा है, वो खाली मोदी 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 और जो है सो पाकिस्तान और क्या कहते हैं कि जो है वो स्ट्राइक एयर स्ट्राइक, बहुत देहात का लोग उतना सर्जिकल स्ट्राइक नहीं जानता है, कहता है पाकिस्तान के घर में घुस के जो मारे ना वो सब बड़ा खुश है। सर आज तक के एग्जिट पोल ने भी कहा था 365 सीटें आएंगी 350, क्या आपको लगता है कि आज तक का एग्जिट पोल बिल्कुल सही जगह पर? हमने 365 का नहीं देखा था लेकिन 335 का देखा था, है ना, 350 से हमने 365 सीटें दी थी। हाँ तो ठीक है, जो हमने कहा हमने हमको हमारा था हमारे अपने क्या कहते हैं हमारी अपना अपना जो कैलकुलेशन था वो था कि 335 से 350 के बीच में रहेगा। पासवान जी, आपकी पार्टी के 6 सांसदों ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवारों ने 6 के 6 जीत गए, 100% का स्ट्राइक रेट रहा आपका? तो अब स्ट्राइक रेट ही नहीं रहा ने, आप समझ जाइए कि माइनॉरिटी का, हमको नहीं लगता है कि मुस्लिम माइनॉरिटी के और कहीं से जीत करके आए हैं कि नहीं आए हैं। हमने पिछली बार भी माइनॉरिटी को दिया था और महबूब अली कसवे साहब इस बार भी दिया, और इस बार दिया पिछली बार क्या कहते हैं करीब क्या कहते हैं कि हमको लगता है कि 1 लाख के आसपास जीते थे और इस बार 2.5 लाख से क्या कहते हैं कि जीते हैं के। तो 6 में हमारा 6 सीट क्या कहते हैं हम लोगों ने दिया, वैशाली का सीट था, बड़ा कहता था बड़ा कंटेस्ट है, हमने के कोई कंटेस्ट नहीं था, वहाँ भी 2.5 लाख वोट जीते। चिराग के संबंध में आप लोगों का इन मीडिया में जो है खूब चिराग के संबंध हम लोगों में नहीं, ये राजनीतिक हलकों में बात होती है। हाँ जो भी हो, लेकिन नहीं मीडिया वाले भी थे पटना में ही, यहाँ ये नहीं पटना में भी जो है कन्फ्यूज करते रहते थे, समझने गए, हमने कहा भैया छोड़ो जो हम सुनते ही नहीं हैं, समझने गए। तो वहाँ से कहते हैं कि जैसे 2.5 लाख वोट से जैसे जीते, तो इसलिए जो है 6 में 6 जो कंस्टिट्यूएंसी हमारा है, जहाँ मानते हैं सपोज कर लीजिए कि जो हमारा उस लड़का है बिल्कुल ही नया लड़का है, देखें अभी बना करके रजिस्ट्रेशन हुआ किया चंदन है ना, फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं हमारा यूथ का था वो खड़ा हुआ, वो भी क्या कहते हैं कि 1.5 लाख से ऊपर वोट से क्या कहते हैं कि जो है नवादाम जीता, हालांकि वहाँ बहुत ही बड़ा क्रिमिनल जो है क्रिमिनल के रेपिस्ट है, जेल में है, कौन यादव है उसकी पत्नी ने वो खड़ा किया था नवादा से। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं कि 6 में 6 क्या कहते हैं कि जो सो हम लोग लड़े, 6 में 6 जीते, मतलब और होता तो और जीतते। लेकिन सर पिछली बार आप मंत्री बने थे, इस बार आप भी मंत्री बनेंगे और चिराग भी मंत्री बनने जा रहे हैं, दो लोग बनेंगे। देखिए इस मन में मिले हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा मतलब जो पॉपुलर डिमांड जो चिराग का है मैं बतलाता हूँ, हर बाप चाहता है कि बेटा क्या कहते हैं हमसे आगे क्या कहते हैं कि बढ़े, वैसे जो प्रायोरिटी जो है ये जो पावर है प्रेरोगेटिव है वो प्राइम मिनिस्टर का है, तो उसमें तो हम इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एज ए पॉपुलर डिमांड के तरफ से क्या कहते हैं कहते, और पिछली बार भी क्या कहते हैं कि राजनाथ सिंह जी उसे हम राष्ट्रपति थे, चिराग का बहुत बड़ा हाथ था एनडीए में ले जाने का, उन्होंने क्या कहते हैं कि कहा भी था कि चिराग को क्या कहते हैं कि जो है सो, तो चिराग ने साफ ही कह दिया कि कहा कि नहीं अभी तो हम जीत करके आए हैं,
नया नया है ना, हमारा जो है एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है, पापा ही बनेंगे है ना। इसलिए जो है सो 30 तारीख को जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तब उसके बाद ये सब बात देखेंगे। 30 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, पासवान जी इस बार मंत्री नहीं बनेंगे मतलब? नहीं, हमने कहा 30 तारीख प्रधानमंत्री ओथ लेंगे, तो ओथ लेंगे अपने लेंगे कि सब लोगों के साथ में लेंगे, तो वही तो हमने कहा नहीं कि तो अभी तो बहुत दिन है, अभी तो देखिए यहाँ तो एक एक क्षण का मामला होता है। डिस्कशन होगा आपका भी है, डिस्कस करेंगे आप बीजेपी के साथ? नहीं, डिस्कशन क्या इसमें, डिस्कशन का हमने कहा दिया प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, इसमें कोई डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, है ना। पार्टी से राय यदि मांगेंगे तो पार्टी की अपनी क्या कहते हैं कुछ समय की जो राय होगी आपस में सब लोग बैठ करके दे देंगे। सर अंतिम सवाल, राहुल गांधी ने आज CWC की बैठक के अंदर एक रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया, उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा देना चाहते हैं। उनके पार्टी का मामला है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं उसमें क्या हम लोग कहेंगे, है ना। हमारे यहाँ जो बड़ा बड़ा भारी नेता बनते थे है ना, तो सबकी हालत क्या हो गई, वो एक भी कोई भले RJD राबड़ी यादव राबड़ी देवी जो है सो आंचल फैला करके कह रही थी लालू यादव, लालू यादव भी रहते तो कुछ नहीं चलता, अब गलत फहमी नहीं रहना चाहिए। राहुल गांधी को आपको लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, जितनी बड़ी हार हुई, अमेठी तक हार गए जो कांग्रेस का गढ़ था? नहीं, हम क्या देखिए हम लोग हार जीत को जो है सो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के रूप में लेते हैं, है ना। हारे हैं फिर भी हमारी शुभकामना उनके साथ में क्या कहते हैं कि है, और हम लोगों ने तो शुरू में कहा था, आपको था बहुत, आप लोगों को भी लगता था जब आप ही सबसे ज़्यादा हमको क्वेश्चन करते थे, जब मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन की कहिए लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वो भी नहीं मिला इस बार भी उनको, प्रधानमंत्री का वैकेंसी कहाँ है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का पद बचा लें वही बहुत बड़ी बात है, तो कहाँ बचा पाए। ये थे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, कैमरामैन दीपक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।